ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट्स मेरी नाक का वो बाल है जिसे ना मैं उखाड़ सकता हूँ ना मैं इग्नोर कर सकता हूँ। ये सारी वीडियो कैमिन मिनाटी की तरह नहीं होने वाली है, ये नॉर्मल अपनी देसी कोडरी वीडियो होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लेसमेंट्स के लिए क्या करना चाहिए फर्स्ट ईयर से ही, एंड फर्स्ट ईयर से ही आप क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हो जिससे आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएं एक अच्छी प्लेसमेंट के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरी मेथडोलॉजी है किसी भी गोल की तरफ काम करने की, वो ये है कि एक एंड गोल आपको पता होना चाहिए, फिर उसको बैक ट्रैक करो एंड उसे एक्शनेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करो। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हायरिंग मेंटालिटी क्या होती है फैंग की एंड स्टार्टअप्स की। तो जो फैंग होती है यानी कि फेसबुक, अमेज़न या फिर जितनी भी बड़ी कॉरपोरेशन होती है, उनके पास लाखों एप्लीकेशन आती है और दिन की हज़ारों एप्लीकेशन आती है, और पीक टाइम में तो ये नंबर और भी ज़्यादा हो सकता है जब लोग ग्रेजुएट हो रहे होते हैं। तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो हर किसी कैंडिडेट की डोमेन नॉलेज जांचें, यानी कि उससे कहें कि तुम एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना के दो एंड हम तुम्हारे कोड को जज करेंगे, या फिर उनके प्रोजेक्ट्स पे जाके चेक करें कि वो प्रोजेक्ट्स कैसे हैं एंड वो प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी कैसी है। तो ये वो सब चेक नहीं कर सकते, वो इंडिविजुअल रेज्यूमे स्कैन नहीं कर सकते। इसलिए वो क्या करते हैं कि वो एक हायरिंग कॉन्टेस्ट चला देते हैं, यानी कि कोड फोर्सेस पे, कोड शेफ पे या किसी हैकर रैंक वगैरह पे चला दिया एक कॉन्टेस्ट जिसके थ्रू वो कैंडिडेट्स फिल्टर करते हैं। या फिर उनका पहला राउंड ही ये होता है कि आपको हैकर रैंक या किसी चीज़ पे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसलिए वो ज़्यादा रिलाई करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स पे। तो अगर आप किसी फैंक को टारगेट कर रहे हो तो आपको टारगेट करना पड़ेगा बहुत अच्छा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। अब बात करते हैं कि जो स्टार्टअप्स हैं यानी कि नॉट फैंग। आप देख रहे हो कि मैंने थोड़ा बहुत हिंदी लिखी है इसलिए ताकि आपकी थोड़ी फोकस, आपका फोकस वीडियो में बना रहे। एंड इस वीडियो को फॉलो करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप साइड बाय साइड नोट्स बनाते रहो, एंड नोट्स अगर पेन पेपर बनाओ तो बढ़िया है, वरना आप किसी नोट पैड वगैरह पर नोट करते रहो। क्योंकि मैं ये वीडियो थोड़ी सी जनरल रखूँगा ताकि सबको इनकॉर्पोरेट कर सकूँ, तो इन्फॉर्मेशन वो लो जो आपके लिए यूज़फुल हो। तो अब बात करते हैं कि जो कंपनीज फैंग नहीं है, तो जो फैंग नहीं है उनको कम एप्लीकेशन आती है, यानी कि 100-200 गिव और टेक 50, तो उनको कम एप्लीकेशन आती है। इसलिए वो बंदे की इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो जो छोटी कंपनीज होती हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, वो फोकस कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे। तो इसलिए आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अच्छी तरह आनी चाहिए, यानी कि अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे ग्रिल करें बजाय कि डीएसए पे, तो आपको अपनी डोमेन नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी कि ये नहीं कि आपको एंड्रॉयड में सिर्फ एक्टिविटी लाइफसाइकिल के मेथड रटने आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उनका यूज़ क्या है, या फिर जब ट्रांजिशन होती है एक्टिविटी तब उनका कॉल बैक सीक्वेंस क्या होता है। तो ऐसी डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए एंड थोड़ी बहुत डीएसए, ताकि वो बेसिक सैनिटी टेस्टिंग तो करेंगे ही। आप अगर एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो बेसिक सैनिटी टेस्टिंग करेंगे, यानी कि लिंक लिस्ट वगैरह थोड़ी बहुत पूछ ली, ईजी क्वेश्चंस, तो आपको थोड़ा बहुत डीएसए भी आना चाहिए, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छे तरह आना चाहिए। तो ये तो बात हुई कि हायरिंग माइंडसेट क्या होता है उनका, एंड हमें किस तरह से सोचना पड़ेगा ताकि उनको बेनिफिट कर सके एंड उस डायरेक्शन में हम काम कर सकें। तो फर्स्ट ईयर से आपका फोकस क्या होना चाहिए, होनी चाहिए तीन चीज़ें। सबसे पहला है आपको कोड करना आना चाहिए, यानी कि अगर आपके पास 11th 12th में कोडिंग नहीं थी तो आप कोड करना सीखो सबसे पहले, या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हो आपको नहीं आता तो आपको एंड्रॉयड वगैरह सीखनी पड़ेगी, तो सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा। फिर है कि आपको अपना रेज्यूमे बिल्ड करना पड़ेगा। रेज्यूमे कैसे बिल्ड होता है, प्रोजेक्ट्स करके, एक्सपीरियंस लेके, एंड फाइनली इंटर्नशिप्स। तो इंटर्नशिप्स भी रेज्यूमे में आती हैं लेकिन वो आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ाती हैं, आपको रियल वर्ल्ड नॉलेज भी देती हैं, एंड फिर फाइनली उनका पीपीओ में कन्वर्ट होने का चांस होता है, जो कि हमारा एंड गोल है, यानी कि प्लेसमेंट्स। तो उसके बारे में आगे बात करते हैं इंडिविजुअल टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले लर्निंग टू कोड। तो इसका सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको कोड सीखने के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी नहीं होती। आप यूट्यूब का यूटिलाइज़ करो, आप कोर्सेरा के फ्री कोर्सेज लो, इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है फ्री में, आपको कोडिंग सिखाते हैं, तो आप उनका यूटिलाइज़ करो अच्छी तरह। एंड फ्री रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज़ करने हैं, क्या क्या हैं, एंड कॉम्पिटिटिव कोडिंग कैसे स्टार्ट करनी है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में यहाँ पर मैं डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में भी पहला लिंक वही रखूँगा, तो वो वीडियो जाके देखना। उसके बाद आती है कि प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, हैकर रैंक पे कर लो, कोड शेफ पे कर लो, कोड फोर्सेस पे कर लो, ये प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो तो भी आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह तो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, कोर्सेरा पे शायद ना मिले, यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएंगे, यूडेसिटी पे एंड्रॉयड के काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं वहाँ मिल जाएंगे, एंड फ्री में कोर्सेज कैसे लेना आप सबको पता है यूडेमी वगैरह के, तो वो आप ट्राई कर सकते हो।
एंड अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन है प्रोजेक्ट्स। इसमें एडवांटेज होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वालों को, यानी कि आप काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हो, आपको सॉफ्टवेयर बनाना आता है तो आप रियल वर्ल्ड चीज़ें बना सकते हो, आप वेबसाइट ऐप्स वगैरह बनाओ काफ़ी सारी, आप उनको ऑनलाइन डालो ताकि और लोग भी यूज़ कर सकें, देख सकें। एंड अगर आपकी प्रोजेक्ट आपका प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप उसे रेज्यूमे में इंक्लूड कर सकते हो, तो वो रेज्यूमे में भी बिल्ड हो जाता है, आपका रेज्यूमे में भी काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है, काफ़ी वेटेज डालता है। तो आप प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे बनाना, इससे आपका स्किल भी बढ़ेगा। सेकेंडली, जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हैं उनके लिए प्रोजेक्ट्स नहीं होते, बट उनके लिए होते हैं ऑनलाइन कॉन्टेस्ट, यानी कि कोड शेफ पे जो लॉन्ग चैलेंज वगैरह होते हैं आप उनमें जा सकते हो, अपनी आप अपने आप को चैलेंज दो कि आपकी रैंकिंग हर बार बेटर हो, यानी कि अगर अभी 10 है तो अगली बार 5 हो, 6 हो, ऐसे आप अपनी रैंकिंग को बेटर करो एंड ट्राई करो कि आपकी स्टार रेटिंग भी बेटर हो, यानी कि 4 स्टार हो तो 5 स्टार की टारगेट करो, 5 हो तो 6 का टारगेट करो, या जिनमें कलर वगैरह होते हैं ग्रीन रेड ब्लैक जो भी कोडर होते हैं वो टारगेट करो। तो आप कॉन्टेस्ट वगैरह सॉल्व करना, इनिशियली आपसे नहीं होंगे, इनिशियली आपसे क्वेश्चन ही नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे आप सोल्यूशन देखोगे, एडिटोरियल्स देखोगे, तो आपसे 1-2 क्वेश्चन होने लगेंगे, फिर धीरे धीरे करके 5-6 महीने में आपसे पूरे कॉन्टेस्ट होने लगेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है एंड काफ़ी मज़ा आने लगता है जब आप ये क्वेश्चन आपसे होने लगते हैं। तो आप अगर कॉम्पिटिटिव कोडिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप इस चीज़ में फोकस करना। तीसरा आता है ओपन सोर्स, यानी खुला स्रोत का काम। तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो तो आपके लिए ओपन सोर्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड्रॉयड ऐप्स हैं, वेब ऐप्स हैं जिसपे जो गिटहब पे होस्टेड हैं, आप उन पे पुल रिक्वेस्ट दे सकते हो। इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी कि ओपन सोर्स पे कैसे कंट्रीब्यूट करना है, वो जाके देख सकते हो, मैं दोबारा डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग में हो तो आप शायद ओपन सोर्स इतना ना कर पाओ, लेकिन आप GSOC वगैरह में जा सकते हो, तो उसमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप थोड़ा बहुत सीख लो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिर आप GSOC के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर वो आपके रेज्यूमे में होगा तो चाहे आप कॉम्पिटिटिव कोडर हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो, वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है एक रेज्यूमे के लिए। फिर आते हैं एक्स्ट्राज। तो एक्स्ट्राज में हमें क्या करना है, एक्स्ट्राज में वो करना है जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे, जैसे कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट एक चीज़ होती है CI/CD, वो आप सीख सकते हो। आप यूनिट टेस्टिंग सीख सकते हो, इवन कॉम्पिटिटिव कोडिंग में भी होती है शायद यूनिट टेस्टिंग वगैरह, तो आप वो सीख सकते हो। एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो ये कई जगह प्रेफर्ड होती है, यानी कि आप कंपनी की जॉब की वेबसाइट पर जाके देखोगे तो नीचे लिखा होता है एडिशनल बोनस या फिर एडिशनल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए या फिर क्या वेटेज है उनकी। तो वहाँ पे कई बार मोस्टली होता है कि यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड CI/CD अगर आपको आता है तो इट्स एन एडिशनल बोनस, तो आप ये सब सीख सकते हो एंड इससे आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फाइनली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटर्नशिप्स। तो इंटर्नशिप्स आपको सिखाती है कि रियल वर्ल्ड में कोडिंग कैसे होती है। जब आप सीखते हो चीज़ें तब तो आप बस स्क्रीन से कोड कॉपी कर रहे होते हो, नई फाइल में नया सब कुछ होता है, लेकिन जब आपको लेगेसी कोड के साथ कोड करना पड़ता है तो आपको पता लगता है कि रियल वर्ल्ड में कैसे कोड लिखा जाता है एंड कैसे सब कुछ ना ब्रेक करते हुए अपना कोड घुसाना है, फिट करना है। तो ये आपको इंटर्नशिप से आता है जब आप स्टूडेंट होते हो, ये कंपेरेबल होती है रियल जॉब के, रियल वर्ल्ड जब आप जॉब करने जाओगे तो इससे काफ़ी हद तक कंपेरेबल होता है। तो कंपनीज़ ये काफ़ी प्रेफर करते हैं कि बंदे को पहले से ही पता हो कि प्रोफेशनली कैसे काम करा जाता है, ताकि उसे आगे जाके ट्रेन ना करना पड़े, जब वो फ्रेशर्स हायर करते हैं उन्हें ट्रेन ना करना पड़े, क्योंकि उनके पैसे बचते हैं। तो इंटर्नशिप करनी चाहिए आपको सेकंड ईयर के एंड में, यानी कि जून जुलाई में, या फिर थर्ड ईयर के ड्यूरिंग, यानी कि मिड थर्ड ईयर में, जब जनवरी वगैरह में आप कर सकते हो, तो ये परफेक्ट टाइम होता है इंटर्नशिप करने का। आपको पिछले 2 साल अपने स्किल पे आपने काम करा है, उसके बाद आप उसे रियल वर्ल्ड में यूज़ कर सकते हो। इस पर भी वीडियो बनी हुई है कि इंटर्नशिप्स कब करनी है, कैसे करनी है एंड कैसे अप्लाई करना है, कैसे लिंक्डइन पे रेफरल मांगने हैं, तो आप वो जाके देख सकते हो, मैं उसे भी लिंक कर दूंगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप होती है वो आप करते हो अपने 7th सेमेस्टर के एंड में, यानी कि जब आपका 8th सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा होता है जनवरी में, तब आप करते हो। तो उससे होता क्या है कि आपके कुछ ही महीने होते हैं फाइनल प्लेसमेंट्स में, आप जॉब की मार्केट में जाने वाले होते हो, तो कंपनीज़ आपको PPO दे देती हैं, यानी कि प्री प्लेसमेंट ऑफ़र। तो आपके पास प्लेसमेंट में, कॉलेज की प्लेसमेंट में बैठने से पहले ही एक जॉब ऑफ़र है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, आपके दिमाग से एक स्ट्रेस हट जाता है कि मेरे को प्लेसमेंट्स के लिए बैठना है, उसके लिए प्रिपेयर करना है। एंड ये बहुत अच्छा तरीका है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेने का एंड एक अच्छा पैकेज लेने का, क्योंकि जब आप इंटर्नशिप से PPO में ट्रांजिशन होते हो तो आपका कोई इंटरव्यू
वगैरह नहीं होता, आपका सिर्फ प्रीवियस वर्क देखा जाता है, कंपनी में वर्क देखा जाता है, एंड अगर आप सीरियस हो तो आपका काम अच्छा ही होगा एंड आपको PPO मिल ही जाएगा। तो PPO मोस्टली सबको मिल जाता है, अच्छे कैंडिडेट्स को मिल जाता है, तो आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। एंड ये स्पेशली यूज़फुल है टायर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो मोस्टली ऑफ कैंपस ही जाते हैं। जो सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा पैकेज चाहिए होता है, वो मोस्टली ऑफ कैंपस का ट्राई करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है ऑफ कैंपस अच्छी प्लेसमेंट लेने का। फाइनली मेरा एक मैसेज है कि जब मैं ये वीडियो बना रहा था, मेरे को लग रहा था कि यार ये क्वेश्चन में ही थोड़ा फ्लॉ है कि लोग फर्स्ट ईयर से ही तैयारी कर रहे हैं इंटर्नशिप्स की, प्लेसमेंट्स की, उनके दिमाग में बस ये है कि हमें आगे जाके जॉब करनी है, हमें आगे जाके फैंग में या स्टार्टअप में जॉब करनी है। तो फर्स्ट ईयर अपना, फर्स्ट या फिर सेकंड ईयर तक थोड़ा अपने इंटरेस्ट फिगर आउट करो। आप देखोगे कि आपकी और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम प्लेसमेंट, जैसे कि फ्रीलांसिंग, या फिर कोई ब्लॉग स्टार्ट कर दो, या फिर अपना कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे आप एक रेगुलर इनकम अपनी बना सकते हो, एंड शायद ये आगे जाके आपका एक मेन सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, आपको प्लेसमेंट्स की जरूरत ही ना हो। तो डायरेक्टली प्लेसमेंट पे फोकस करने के बजाय अपने इंटरेस्ट फिगर आउट करो। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे कॉलेज में एक स्टूडेंट था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो थर्ड ईयर से ही बाहर के प्रोजेक्ट्स उठाने लग गया था फ्रीलांसिंग में, एंड फोर्थ ईयर तक इट वॉज हिज मेन सोर्स ऑफ इनकम। जो हम प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे थे तब वो अर्न कर रहा था, वो शायद प्लेसमेंट के लिए बैठा था लेकिन उसने कोई जॉब वगैरह नहीं करी, एंड नाउ ही इज़ डूइंग रियली वेल। तो आप जॉब के लिए डायरेक्टली मत सोचो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं दुनिया में, बहुत सारे ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए स्पेशली, जिससे वो अर्निंग अपनी रेगुलर कर सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल के थ्रू हो, चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट करो, चाहे आप ब्लॉग्स बनाओ, चाहे आप कुछ प्रोडक्ट सेल करो अमेज़ॉन वगैरह पे। क्यों आपको सिर्फ कोडिंग में क्यों जाना है? आप अपने इंटरेस्ट फिगर आउट करो, देखो आपको किस में मज़ा आता है। हो सकता है आपको मार्केटिंग वगैरह में मज़ा आए, हो सकता है आपको इंस्टाग्राम पेज चलाने में मज़ा आए, तो वो सब आप ट्राई आउट करो। फर्स्ट ईयर लो, फर्स्ट ईयर के बाद एक सेमेस्टर और ले लो अपने इंटरेस्ट फिगर आउट करने में, एंड फिर अगर आप क्लियर हो जाओ कि आपको किसी पाथ में जाना है, जैसे कॉम्पिटिटिव कोडिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को फॉलो करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको मार्केटिंग या फिर किसी और चीज़ में जाना है, तो कहीं और चैनल पर निकल जाओ। तो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना इस वीडियो को, काफ़ी मेहनत लगी है बनाने में, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना फर्स्ट ईयर में जो है, क्योंकि उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है आगे आने वाले 4 साल में। तो आपके जो कॉलेज ग्रुप्स वगैरह होते हैं उनमें ये वीडियो शेयर करना, उनका लिंक शेयर करना, एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे एक स्क्रीनशॉट भेजना, एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।